बिल्कुल, मैं तो पहले ये कहूँगा कि सबको मुबारकबाद, सभी को प्यार प्रणाम सलाम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम। एक दिन काय को मैं हमेशा बोलता ही रही, तुम लोग एक ही दिन रखता है क्या इंटरनेशनल वुमेन्स? अरे बिड़ो, हर रोज का दिन अपने आई का मुंह देख के निकलता, माँ का फेस देख के निकलता है, वही दिन है ना। पहले दिन से तुम जब भी निकला घर से बाहर, माँ का मुंह, बच्चे का मुंह, वाइफ का मुंह, गर्लफ्रेंड का मुंह, सो इट शुड बी एवरी डे। पहले तो मैं बोलूँगा कि हर रोज इनकी औरतों का दिन होना चाहिए। और यहाँ आज आया हूँ लीना मोगरे जी के लिए, 25,000 ट्रेनर को तैयार करी हैं। मेरे तरफ से यही है कि लड़कों को सुधर जाना चाहिए, उनकी थिंकिंग को सुधर जाना चाहिए। लेडीज़ आर लेडीज़, हमारे घर से शुरू होता है, माँ से, बहन से, बीवी से, बच्चे से, बाहर गर्लफ्रेंड से, दोस्तों से। अब बस इज्जत करो, इज्जत करना सीख लो, बाकी तो बिंदास। और उनको खाना खिला दे रहने का, अपना शाना नहीं बनने का, ज़मीन पकड़ के चलने का, बाकी तो कुछ नहीं। ये माँ को देख देख के सीखे रहे, जो हम लोग बनते हो माँ को देख के। कांस्टेबल भी आए आज, मिल लो तो अच्छा है, बुला लो। मैम मैम यहाँ ना, लंग्स लंग्स चेकअप, डेंसिटी बोन्स का कितनी अस्ता ना। एज वी ग्रो ओल्डर द लेडीज ना, तो खड्डे हो जाते हड्डी में, तो वो चेक करने के लिए कितना कैल्शियम है। मग मैं तुम्हारा डाइट देना, ईच अदर एंड हेल्प वीमेन ऑल्सो। पर वीमेन को दूसरे वीमेन की मदद करनी चाहिए, और खुद के लिए ऐसे नहीं कि फेमिनिस्ट बनो या कुछ, बी प्राउड योर अ वुमन, यू नो, बिकॉज यू आर द ओनली वन टू बेयर चिल्ड्रेन। असं काही नाही, महिलांसाठी हा स्पेशल दिवस आहे। आजच्या दिवशी म्हणजे काही असेल, कुठलाही प्रोग्राम असेल, तर महिलांनी तिथे उपस्थिती दाखवली पाहिजे। ॲक्च्युली मी तर म्हणते काय माहिती आहे, की महिलांनी ना स्वतःला स्वतःला ओळखलं पाहिजे की मी कोण आहे ती, मग ती दुनियाला शो करू शकते की मी कोण आहे ती। म्हणून हा स्पेशल डे आहे, कळायला पाहिजे की महिला ही आहे काहीतरी जगामध्ये। थँक यू सो मच। मुझे आज बड़ी खुशी है, ये मेरी जिम है। मैं रीना मोगरे को मेरे आइडॉल मानती हूँ। जब फिटनेस की बात होती है वो हम सबको बहुत इंस्पायर करती है, हमेशा मोटिवेट करती हैं कि हम फिट रहें, अच्छा हमारा रूटीन रहे जो कि बहुत हेल्दी हो। तो आज उनके लिए मैं यहाँ आई हूँ, और हॉलवे फाउंडेशन ने यहाँ पे सारे पुलिस महिलाओं के लिए चेकअप्स रखे हैं, मेडिकल चेकअप्स रखे हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि हम एक दूसरे के लिए इतना अवेयर रह के काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह फिटनेस, हेल्थ और ह्यूमैनिटी बढ़ाते रहेंगे, हम एक बहुत अच्छी सोसाइटी हो पाएंगे। क्योंकि मैं वुमन हूँ इसीलिए मैं यहाँ हूँ, और आप लोग इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वुमन हैं। ऑफकोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आई थिंक वुमेंस डे एक कोई स्पेशल डे के लिए रुका नहीं होता है। एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। अगर वुमेन नहीं होती तो शायद दुनिया नहीं चलती, आप नहीं होते। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कि लोग ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली आज यहाँ पे हॉलवे फाउंडेशन, जिसे आप देख रहे हैं, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया है। वी हैव अ रेस्पिरेटरी चेकअप एंड कैल्शियम चेकअप, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा जो काउंट डाउन होता है इन वुमेंस बॉडी इज़ कैल्शियम, एंड दे डोंट गेट टू नो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इफेक्ट्स योर बोन्स। और अगर आपकी हड्डी सही नहीं तो आप चलोगे कैसे, कुछ कैसे। तो आई थिंक कैल्शियम चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मोर देन दैट, आई ऑलवेज टेल, मैं खुद मेरे फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को हमेशा कहती हूँ, एक एनुअल फुल बॉडी चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव यू नो कोई डे हो या ना हो, बिकॉज इंटरनली आपकी बॉडी कैसे चेंज, कैसे कैसे चेंजेस ले रही है आपको पता नहीं चलता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स नाइस दैट दे आर प्रमोटिंग समथिंग लाइक दिस, एंड आई कैन सी लॉट ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हु आर। जी हाँ, मॉडलिंग तो मैं हमेशा से करती रही हूँ। फैशन मेरा एक बहुत ही पैशनेट मेरा इंटरेस्ट है। उसके अलावा मैंने एक फिल्म के लिए शूट की है जिसका नाम है वो एक मुलाकात। होपफुली 2016 में उसकी रिलीज़ की कामना करती हूँ। और मैंने एक डिज़ाइनर कौशिक शिमांकर के साथ एक स्टूडियो, डिज़ाइन स्टूडियो का रीलॉन्च किया है खार वेस्ट में, जिसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है मैंने खुद ने किया है। और मुझे डिज़ाइन क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा शौक है, तो अभी फ्यूचर में वही सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और ऑफ कोर्स
बात करने का बहुत शौक है. सो एंकरिंग ट्रैवल शोज जो है, पहले मैंने TLC डिस्कवरी में किया हुआ है, आगे जाके और भी कोई ट्रैवल शो करने की इच्छा रखती हूँ.